फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल नागेश जी, और मैं हूँ नागेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी अगर फेसबुक और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी भी दो एप्लीकेशन को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप कैसे चला सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन करके। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल को अपना बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके अपना बना सकते हैं। आपको जो नीचे रेड कलर का बटन दिखा दे रहा है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, और दूसरी बार में आपको फेसबुक एक बार ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार से ओपन कर लेने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक कर लेना है, इस बटन पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से आ जाता है यहाँ पे इंटरफेस, और जिसको आपको चलाना है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे साइन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी दो एप्लीकेशन को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम एक ओपन हो गया, और एक नीचे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, और ऊपर में व्हाट्सएप। तो हम दोनों को पारापार से चला सकते हैं या एक साथ चला सकते हैं, मतलब कि हम दोनों पे एक्टिव रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर पोको का है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्प्लिट स्क्रीन करके आप डबल ऐप को चला सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे चला रहा हूँ डबल ऐप, तो आप भी इस प्रकार से चला सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।